बीते 1 फरवरी को इस देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस देश का बजट संसद में पेश किया। बजट होता क्या है? हर घर में लगभग हर महीने में, हर साल में, हर 2-4 महीने में एक बजट बनता है। यानी कि जितना आय है उस घर के, उस घर में रहने वाले लोगों के, उसको एक जगह करके उसके बाद जो ज़रूरी खर्चे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना पीना, कपड़ा, घर का किराया, ये तमाम चीज़ों में कितना खर्चा होगा, इसका एक एस्टिमेट लगा के, इसका एक आकलन करके कितना बच रहा है, उसमें से कितना सेव किया जा सकता है, या उसमें से कितना बैंक में डाला जाए, या और कितना कुछ ऐसे खर्च करें जो जीवन जीने में सहूलियत हो पर बहुत ज़रूरी शायद ना हो, तो इस टाइप ऐसे करके हर घर का एक बजट बनता है। जब सरकार बजट बनाती है तो थोड़ा सा अलग होता है। सरकार, क्योंकि पूरा देश चलाना है, इस देश में रहने वाले तमाम लोगों का जीवन वो कैसे जिएंगे वो बजट से तय होता है, इसीलिए सबसे पहले सरकार कितना खर्चा होगा वो तय करती है, करना चाहिए। ये सरकार किया कि नहीं वो हम आगे बात करेंगे, पर जब भी गवर्नमेंट का बजट बनता है, सरकार बजट बनाती है, तो सबसे पहले खर्चा कहाँ कहाँ करना है, कितना करना है, इसका एक एस्टिमेट बनाया जाता है, और उसके बाद कहाँ कहाँ से खर्चा आ सकता है। यानी कि सरकार का बजट इनकम डिपेंडेंट नहीं है, आय पे डिपेंड होके सरकार खर्चा नहीं डिसाइड करती है। सरकार खर्चा लोगों के ज़रूरत के हिसाब से, देश की इकोनॉमी की ज़रूरत के हिसाब से तय करती है, और उसके बाद वो अपना आय कहाँ कहाँ से आएगा ये तय करता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस बजट को लेके बोला गया। निर्मला सीतारमण ने भी बोला कि अमृत काल का बजट है, मतलब ऐसा बजट जो कभी नहीं आया है, ऐसा बजट जो आने वाले 25 साल तक चलेगा, और ऐसा बजट जो देश के इकोनॉमी को बदल देगा, 9.2% ग्रोथ रेट पे ले जाएगा, जो पिछले 4-5-6 साल में शायद नहीं हुआ है, प्री कोविड टाइम्स जैसे इकोनॉमी रिवाइव होगा, बहुत सारी बातें किया गया है। पर थोड़ा इसका उसके अंदर क्या है, थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार खर्चा कहाँ कहाँ करने के लिए डिसाइड किया है। सरकार बहुत वादा, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर देखते हैं, कृषि। पिछले एक साल में इस देश ने एक बहुत बड़ा कृषि आंदोलन देखा। उस कृषि आंदोलन के कुछ मुख्य डिमांड्स थे, जिसमें से एक था कि कृषि कानून, जिससे कृषि को कॉरपोरेट के हाथ में बेचा जा रहा था, उसको वापस लिया जाए। एक साल के आंदोलन के बाद सरकार मजबूर हुआ उसको वापस लेने में। अब उनका एक और मुख्य डिमांड था कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सारे फसलों पे लगे, हर स्टेट में, पूरे देश भर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ये बजट चुप है। बजट में कुछ नहीं लिखा गया है, निर्मला जी ने कुछ बोलना सही नहीं समझा इस पे। एग्रीकल्चर में जो सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट होता है उस पे भी पिछले सालों जैसा ही है, स्टैग्नेंट है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, जबकि उसमें एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस देश में इतने किसान हैं जो बिना आय के, कम आय के आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। बहुत छोटे किसान, मध्यम किसान हैं जो किसानी से अपना जीवन नहीं जी पा रहे, और इसीलिए एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है कि उसको उसमें थोड़ा तरक्की हो, उसका किसानों का आय बढ़े। मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों का आय दुगना हो जाएगा, उस पे भी ये बजट चुप है। यानी कि तमाम जो वादा किया गया था एग्रीकल्चर को लेकर, कृषि के क्षेत्र में, उसमें ये बजट बहुत कुछ किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, एक तरीके से एक स्टैग्नेंट बजट है एग्रीकल्चर में। उसके बाद आते हैं एक और ज़रूरी एरिया, वो है रूरल डेवलपमेंट। यानी इस देश का अधिकतर हिस्सा गांव में रहता है, इस देश के गांव में बसते हैं, और वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ विकास का बहुत ज़रूरी है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ रोड्स बने, इरिगेशन कैनाल्स बने, ये तमाम चीज़ों के लिए रूरल डेवलपमेंट एक बहुत ज़रूरी एरिया है। तो वहाँ पे क्या किया है, रूरल डेवलपमेंट में भी पिछले साल के
पिछले साल का और इस साल का अगर हम देखें तो रूरल डेवलपमेंट में जो खर्चा बताया गया है होगा इस साल वो घटा है। और ये समझिए कि पिछला 2-2.5 साल जिस तरीके से एक लॉकडाउन का माहौल रहा, गांव से बहुत लोग जब देखते हैं कि कृषि से कुछ हो नहीं पा रहा है तो वो शहर की तरफ बढ़ते हैं नौकरियों की खोज में, वो फैक्ट्रीज जब बंद हो गया, जब लॉकडाउन लग गया तो तमाम लोग वापस घर को लौटे, वापस गांव लौटे, और वहां जाके वो करेंगे क्या? वहां जाके उनके पास दोबारा आय का कोई स्रोत नहीं है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि रूरल डेवलपमेंट में पैसा को बढ़ाया जाए ताकि इस देश के आम गरीब मजदूर किसान का आय बढ़े, वो अपने लिए एक 3 टाइम का एक अच्छा खाना, पोषण भरा खाना अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ला पाए, शिक्षा अफोर्ड कर पाए। पर वो पिछले साल से घटा है रूरल डेवलपमेंट का बजट। इसमें से एक अहम चीज़ है जो हर जो बहुत ज़रूरी है वो मनरेगा। मनरेगा इस देश में लाया गया था कि रूरल एरियाज़ में, गांव के इलाके में जॉब क्रिएट किया जाए, नौकरियां पैदा किया जाए। उसमें मानिए कि कोई रोड बना रहा है तो गांव के लोगों को ही वहां पे जॉब दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहा है उस गांव में और वहां के लोगों को नौकरी भी मिल रहा है। मनरेगा पे निर्मला जी ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा और पिछले 6-7 साल में लगातार मनरेगा का बजट घटता जा रहा है। जितना बजट है उतना खर्चा होता नहीं है, जितना दिन का काम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है और जितना काम लोग करते हैं उसका पैसा भी नहीं दिया जाता। तो ये जितना खर्चा होना चाहिए वो भी नहीं सरकार कर रहा है और लगातार बजट को घटा रहा है। निर्मला जी ने मनरेगा पे कुछ नहीं बोला। अब आते हैं 2 और अहम हिस्सों में, हेल्थ पे और एडुकेशन पे। तो इस जब हेल्थ की हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आते हैं, लोग पोषण भरा खाना खा पाए और अगर ज़रूरत हो तो अस्पताल जा पाए और अफोर्ड कर पाए, वहाँ चिकित्सा अफोर्ड कर पाए, निशुल्क चिकित्सा हो वहाँ पे, दवाई मिले मुफ्त में। इस देश का अगर कोई मिडिल क्लास भी आज जाके अस्पताल में एडमिट होता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका आय पे, उसका जो भी सेविंग्स पे, उस पर एक बहुत बहुत बड़ा चोट नहीं जाएगा। कभी अगर घर में कोई भी बीमार पड़ जाता है, ये मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल है कि वो अच्छा हेल्थ एक्सेस कर पाए। तो इस देश का गरीब किसान, इस देश का मजदूर, इस देश के सबसे गरीब तबका तो सोच ही नहीं सकता कि अच्छा हेल्थ वो कहीं जाके मिल पाए। और इसीलिए गवर्नमेंट का हेल्थ में पब्लिक हॉस्पिटल्स बनाना, हर जगह प्राइमरी हेल्थ केयर को खड़ा करना, हर गांव में, हर छोटे शहर में डिस्पेंसरी हर जगह हो, उसके बाद बड़ा हॉस्पिटल्स हो डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद एम्स जैसे टर्शरी केयर जिसको बोलते हैं वो अस्पताल हो अलग अलग देश में, अलग अलग स्टेट्स में, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उसमें भी पिछले साल से तुलना में इस बार घटा है। और ये बहुत आश्चर्य का बात है कि इस देश ने 7-8 महीने पहले हॉस्पिटल से सिर्फ लाशें निकलते देखी है और उस देश में जब अभी तक कोविड का खतरा मंडरा रहा है, उस देश में जब इतना आबादी टीबी जैसे बीमारियों से जान खो बैठते हैं, उस देश में हेल्थ का बजट को घटाया गया है, हेल्थ के खर्चे को घटाया गया। इसके बाद आते हैं कि जो सरकार बोलते हैं कि सब्सिडी हम देंगे एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइज़र सब्सिडी को घटाया गया है। फूड सब्सिडी जो होता है, जो खाद जो सरकार कम पैसों में खाना लोगों तक पहुँचाते हैं, राशन पहुँचाता है, उसमें भी कम हुआ है। इस देश में जब लोगों का आय कम हो गया, कोई अगर 5,000 रुपये कमा रहा था तो शायद वो 1,500 भी नहीं कमा रहा है, तो वो कहाँ से खाएगा? क्या इस पोषण तो छोड़ दीजिए, जो बेसिक कैलोरी कंजम्पशन होना चाहिए, जो मिनिमम 1,800 कैलोरी, 2,000 कैलोरी, 2,500 कैलोरी का एक मिनिमम कंजम्पशन बास्केट है, वो भी लोग नहीं पूरा कर पा रहे। एक कुपोषित देश की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे इस देश का बच्चा बच्चा कुपोषित जन्म हो रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा पे। शिक्षा पे
सरकार ही इन सरकार का खर्चा करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस देश का अधिकतर आबादी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, स्कूली शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ये हम लोगों ने पिछले 2 साल में देखा है और झेला है। इस देश के बच्चे, इस देश के गरीब घरों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों पे ही उनका भरोसा होता है कि 10वीं का परीक्षा पास कर लेंगे, 12वीं का परीक्षा पास कर लेंगे, कुछ नौकरी देने के लिए कहीं एलिजिबल हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन जब शिक्षा ऑनलाइन ले जाया गया तो नहीं अफोर्ड कर पाए। अगर घर में 3 बच्चे हैं और एक ही मोबाइल फ़ोन है तो तीन लोग हर दिन क्लास नहीं कर पाए हैं। और ऐसा एक स्थिति में अभी तक सरकार के पास शिक्षा में खर्चा ठीक से करने के लिए, इस देश के हर एक तबके के लिए शिक्षा पहुंचाने का कोई रोड मैप नहीं है। इस बजट में पिछले साल से के तुलना में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है शिक्षा के बजट में, पर हम देखते हैं कि वो किस रूप में वो बढ़ोतरी हुआ है। सरकार तमाम सारी चीज़ें बोली, निर्मला सीतारमण ने बहुत सारा चीज़ बोला कि डिजिटल एडुकेशन होगा, इंडिया डिजिटलाइजेशन करेगा, डिजिटल इंडिया बनेगा। कौन सा डिजिटल एडुकेशन? पिछले 2 साल में जो स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स घरों में बंद है, जो वो और शिक्षा प्राप्त क्लासरूम में नहीं कर पा रहे हैं, क्या सरकार एक लैपटॉप भी देने में कामयाब हुए हैं? क्या सरकार ने कोई पॉलिसी बनाया कि अगर वो नहीं आ पाएंगे क्लासरूम तक तो हम क्लासरूम को उन तक पहुँचाएंगे, हम उनको लैपटॉप देंगे, उनको ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, उनको वाईफाई फैसिलिटी देंगे, मुफ्त में देंगे? क्या सरकार ने कोई पॉलिसी बनाया? नहीं बनाया। अधिकतर सरकारी कॉलेज इसमें असक्षम रहे और करना नहीं चाहे कि स्टूडेंट्स अगर नहीं आ पा रहे तो हम उन तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाए। यही कहना था, आप लोग जुगाड़िए। अरे भाई, आ ही जब नहीं है तब कहाँ से जुगाड़ लेगा? अगर लोग खाने पीने का लानत पड़ गया है तो कहाँ से एक मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप खरीद लेगा, और कहाँ से इंटरनेट का पैसा जुगाड़ लेगा 500 रुपये 1000 रुपये महीने महीने में, जब आए ही 1500 रुपये है? बहुत लोग शिक्षा से वंचित रहे हैं और आज भी ये सिलसिला जारी है। तो डिजिटल एडुकेशन का अगर बात करें तो डिजिटल एडुकेशन में खर्चा सरकार लगाए, पर वो किसके लिए होगा? कौन सा डिजिटल एडुकेशन जहाँ इस देश के हर इंसान वो एक्सेस नहीं कर पाए? तो वो पैसा जाएगा कहाँ? खर्चा तो बड़ा है, वो पैसा जाएगा जियो यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट स्कूलों में। उनको कुछ टैक्स में छूट दिया जाएगा, उनको कुछ ज़मीन मुफ्त में दे दिया जाएगा, यानी कि आम जनता का पैसा प्राइवेट एडुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लगाया जाएगा उनके मुनाफे के लिए। और यही है बजट बढ़ोतरी का मतलब शिक्षा में। अब आते एक और ज्वलंत सवाल नौकरियों पे। इस देश का युवा आज सड़कों पे है, आंदोलनरत है अलग अलग जगह अपने नौकरी के हक के लिए। सरकारी पदे खाली है। अगर सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 6,500 से ज़्यादा सैंक्शन फैकल्टी पोस्ट्स इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में खाली है। इस देश के तमाम सरकारी एवेन्यूज़ में, वो रेलवेज हो, एनर्जी सेक्टर हो, कहीं भी आप चले जाए नौकरियों के पदे खाली है। तो ये भर क्यों नहीं रहा सरकार? निर्मला जी ने बोला 60 लाख नौकरियाँ देगा, कहाँ से देंगे? कोई रोड मैप है आपके पास? बजट में तो आपने कोई रोड मैप नहीं दिया। बोला तो आप, मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम 2 लाख नौकरियां हर साल देंगे, 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम देंगे। वहाँ से आके निर्मला जी बजट में बोल रही है कि हम 60 लाख नौकरी देंगे। चलिए दीजिए तो, कहाँ से देंगे? आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट जॉब्स की अगर बात करें तो उसमें कटौती हुआ है कोविड के बाद और लॉकडाउन के बाद, और सरकारी पदे जो खाली है वो भी नहीं भर रहे हैं। तो नौकरियां कहां से आप पैदा करेंगे? ये फिर से एक जुमला है, एक जुमला बजट में एक जुमला दिया गया है इस देश के सरकार द्वारा। चलिए ये तो बात हुआ खर्चे की, अब आते हैं कि सरकार आय कहाँ से करेगा।
सरकार ने, निर्मला जी ने कहा कि टैक्स कलेक्शन में बहुत बढ़ोतरी हुआ है। चलिए अच्छी बात है, अब देखते हैं कि ये बढ़ोतरी हुआ कहाँ से है। टैक्स रेट बढ़ाया जरूर गया है पर कॉरपोरेट टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। अगर बढ़ाया गया है तो आम जिंदगी के ज़रूरी चीज़ों पे टैक्स को बढ़ाया गया है। पेट्रोल पे बढ़ाया गया है, डीजल पे बढ़ाया गया है। पेट्रोल और डीजल पे खर्चा बढ़ाना मतलब हर चीज़ में आपके खाना खाने का भी पैसा बढ़ेगा। और इस देश ने इन्फ्लेशन देखा है, एक ओवरऑल प्राइसेस का बढ़ोतरी हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो टैक्स आपने बढ़ाया है पर आपने पेट्रोल पे, डीजल पे और आम खर्चा जो ज़रूरी खर्चा है उस पे आपने टैक्सेस बढ़ाया, उस पे सरकार ने टैक्सेस बढ़ाया है। और ये कोई प्राउड फील होने का कोई बात नहीं है। जब इनकम किसी का 5,000 से 1,500 गिर गया है, जब और वो जब खाना ले अपने लिए राशन खरीदने जा रहा है और उस पे जो तेल पहले 60 रुपए का मिल रहा था वो अगर 120 रुपए का मिल रहा है तो वो नहीं ठीक से खाना खा पाएगा। तमाम चीज़ों के दाम बढ़ा है। एक और कैसे सरकार ने अपने लिए आय बढ़ाया है, RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सरप्लस है उसको निकाल के समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। जब किसी भी घर में कोई आपदा आ बनती है तो घर के तमाम लोग, एक बड़ा खर्चा करना है तो घर के तमाम लोग जुट जाते हैं यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठे करने में। और जब तमाम जगह से पैसा नहीं आता है तब आखिरी जो एक एसेट होता है वो है गहने, गोल्ड, वो बेच दिया है, वो बेचा जाता है। और उसके बाद वो उससे जो भी आपदा है उससे निकलने की कोशिश किया जाता है। तो RBI का सरप्लस निकालने का मतलब यही है कि अपने घर का गहना को सरकार ने बेच दिया है। पर ऐसा क्या है कि सरकार के पास और कोई एवेन्यूज नहीं था आय बढ़ाने के लिए? बिल्कुल था। जो कॉरपोरेट्स है इस देश में, जो पिछले 2 साल में इतना मुनाफा कमाए हैं, उनको टैक्स करते। जो ऐसे लोग हैं इस देश में जो अरबों में कमाते हैं उसको टैक्स करते, उसका टैक्स बढ़ाते, लेकिन सरकार ने नहीं किया। और बहुत मज़ेदार बात है कि इस बार कॉरपोरेट टैक्स को घटाया गया है, कॉरपोरेट टैक्स को घटाया गया है। मिडिल बजट में बहुत बोला जाता है कि मिडिल क्लास इफेक्ट होगा, कि इनकम टैक्स कैसे, इनकम टैक्स के स्लैब्स पे, इनकम टैक्स स्लैब्स वैसा का वैसा ही है पिछले साल जैसा, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स को घटाया गया। यानी कि एक बहुत बड़ा चंक इस देश में, अगर हम टैक्सेस में भी होता है कॉरपोरेट, एक बहुत बड़ा चंक कॉरपोरेट टैक्स से आता था, बहुत बड़ा चंक जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं उन लोगों से आता था, और उसका जो हिस्सा है टोटल टैक्स रेवेन्यू में वो बहुत घटा है। और इसमें भी जो सरकार बोली है कि जितना टैक्स करेंगे कॉरपोरेट से या अमीर लोगों से, उतना भी सरकार उनसे नहीं ले पा रही है। पिछले साल में सरकार ठीक से टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाया है कॉरपोरेट से और हाई अर्निंग इंडिविजुअल से। एक और एरिना है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी PSUs, ONGC मान लीजिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो गया, NTPC हो गया, ये तमाम जो रेलवेज हो गया, पब्लिक सेक्टर का जो सरकार चलाती है, जिसे सरकार ने बहुत अच्छा एक उपाय निकाला है कि चलो बेच देते हैं सब कुछ बेच देते हैं। रेलवेज को बेचा जा रहा है, ONGC को बेचने का कोशिश हो रहा है, HPCL को बेचने का कोशिश हो रहा है, या डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे बहुत भाषा बदला जाता है, शब्द बदले जाते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, पर उसका मतलब यही है कि सरकार का संपत्ति यानी कि इस देश के जनता का संपत्ति को निजी हाथों में अंबानी को कहीं किसी और को बेचा जाए। सरकार
अपना आई कर नहीं पा रही है कहीं से, ठीक है, और जितना सोच रहे हैं कि आई करेंगे वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कॉरपोरेट से टैक्सेस वसूल नहीं पा रहे हैं, और खर्चा तो करना ही है थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, कुछ नहीं तो एडवर्टाइजमेंट में ही खर्चा करना है, बड़ा बड़ा लाइट्स लगाने में खर्चा करना है, मोदी जी के प्रोग्राम्स करने में खर्चा करना है, तो सरकार कर्ज ले रही है, बहुत भारी मात्रा में सरकार कर्ज ले रही है। भाजपा की सरकार 2014 में जब आई उससे पहले लगभग 60 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज था इस देश का, और आज वो 118 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है, यानी दुगना। भाजपा सरकार आने के बाद इस देश का कर्ज दुगना हो गया है, और वो कर्ज चुकेगा कैसे? वो इस देश के आम जनता को, इस देश के गरीब लोगों के जीवन के ज़रूरी चीज़ों पे टैक्स बढ़ा के चुकेगा, क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स तो बढ़ा नहीं रहे, पूंजीपतियों का टैक्स तो बढ़ा नहीं रहे, तो इस देश के लोगों का ज़रूरी चीज़ों पे, दवाइयों पे, अस्पताल के खर्चों पे, शिक्षा के फीस पे, ट्यूशन फीस पे, इन तमाम चीज़ों पे टैक्स बढ़ा के, डीजल पे, पेट्रोल पे, खाने पे, इन तमाम चीज़ों पे टैक्स बढ़ा के शायद ये कर्जा चुकाया जाएगा, और उसका हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं आज, वहाँ लगातार फीस वृद्धि हो रहा है, कॉलेजेस को बोला जा रहा है आप लोन लीजिए और लोन चुकाइए स्टूडेंट्स का पैसा को बढ़ा के। शिक्षा पे जो खर्चा हो रहा है इस देश में वो कहाँ जा रहा है? साइंसेस में कोई फंडिंग नहीं हो रहा है, जो स्कॉलरशिप्स आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, अधिकतर स्कॉलरशिप्स को यूजीसी ने बंद कर दिया है, यानी कि इस देश का जनता अपने ही भरोसे है, मोदी जी नहीं आने वाले हैं किसी को बचाने, मोदी जी नहीं आने वाले हैं किसी के घर में, अगर कोई किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने में, और ये देखने में कि उसके बाद उसका कमर ना टूट जाए, खर्चे के दबाव में कमर ना टूट जाए, मोदी जी नहीं आने वाले हैं, ना निर्मला जी आने वाली है, इस देश को बेचने के लिए वो दोनों बैठे हुए हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जो 2024 का बजट होगा वो भाजपा सरकार ना बनाए, उससे पहले भाजपा सरकार को इस देश से खदेड़ के भगाना है और इस सेंटर के पावर से उनको निकालना है, और तभी शायद एक अच्छा जीवन के लिए इस देश के लोग लड़ सकते हैं। लड़ाई बहुत ज़रूरी है आज की इस सरकार के खिलाफ, हम लड़े, इसको गोलबंद करें और इसको सत्ता से हटाएं।